इसराइल और हमास के बीच जारी खूनी लड़ाई खत्म होने के बजाय और भीषण होती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद इसराइल अपने कदम पीछे नहीं हटा रहा है। हालांकि इस जंग की शुरुआत जिस तरह से हुई थी कि पहले हमास का हमला होता है, उसके बाद इसराइल के भीषण बदले वाले बमबारी से गाजा में हर तरफ तबाही मच जाती है और मानो लगने लगता है कि अब जंग इसराइल के नाम हो गई है। लेकिन जिस तरह से हमास के लड़ाके और हिजबुल्ला एक होकर इजरायली बलों पर हावी हैं, उससे इस जंग की दिशा बदलती नजर आ रही है। जंग में इजरायली सेना को दो फ्रंट पर डटकर चुनौतियों का मुकाबला करना पड़ रहा है। इजरायल के गाजा ऑपरेशन को फेल करने के लिए हमास के लड़ाके खतरनाक से खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल और लगातार हमले कर जंग में बना हुआ है, इजरायली फोर्सेस को नुकसान पहुंचा रहा है। और इसी कड़ी में अब IDF ने एक बड़ी घोषणा की है। उसने माना है कि गाजा पट्टी में हमास के साथ जंग के दौरान 601वीं इंजीनियर ब्रिगेड और 169वीं ब्रिगेड के 11 सैनिक मारे गए, जबकि दो अन्य सैनिक जख्मी हो गए। इसके साथ ही IDF ने गिफ्ती ब्रिगेड में एक सैनिक की मृत्यु की बात भी कही है। ये सैनिक हाल ही में रफा में हुए टकराव में बुरी तरह से घायल हुआ था। वहीं इजरायली मीडिया ने भी दावा किया कि गाजा में मारे गए सैनिक भीषण विस्फोटक IED की चपेट में आ गए थे। हमास और प्रतिरोधी गुट सीधे हमले कर इजरायल को तगड़ी चुनौती पेश कर रहा है। इस बीच हमास ने एक बयान जारी कर इजरायली सैनिकों को बख्तरबंद गाड़ियों सहित उड़ाने की बात कही है। हमास की ओर से कहा गया कि हमारे लड़ाकों ने रफा के पश्चिम में एक बख्तरबंद सैनिक गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया, जिसके अंदर मौजूद 8 इजरायली सैनिक और अधिकारियों की मौत हो गई। IDF ने बताया कि मरने वाले सैनिक में 23 साल के कैप्टन वासिम महमूद भी शामिल हैं। साथ ही लड़ाकू इंजीनियरों का ये दस्ता करीब सुबह 5 बजे दक्षिणी गाजा शहर के ताल अल सुल्तान इलाके में एक मिशन से लौट रहा था, जिसके बाद ये हमला हो गया। वहीं इजरायली सेना के प्रवक्ता ने बताया कि हमले में मारे गए एक सैनिक की पहचान की गई है और अभी आगे की जांच की जा रही है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IDF मामले की जांच इस एंगल से कर रहा है कि बख्तरबंद वाहन को हमास ने निशाना बनाया या फिर सैनिकों के अपने ही हथियारों से उसमें अचानक विस्फोट हो गया, क्योंकि इजरायली सेना के बख्तरबंद वाहनों पर विस्फोटकों को वाहन के बाहर वाले हिस्से पर लगाया गया था। दूसरी ओर हमास के लड़ाकों ने गाजा पट्टी में सेना के कब्जे वाले इलाके का विरोध करना जारी रखा है। हमास के अल कसम ब्रिगेड ने अब तक इसराइल के लिए दो ऑपरेशन की ऐलान किया है, जिसमें किसुफिम सैन्य बेस पर रॉकेट हमला भी शामिल है। ब्रिगेड ने अल सुल्तान में एक इजरायली सैन्य ग्रेड D9 बुलडोजर पर अल यासीन टेंडम रॉकेट प्रोपल्ड ग्रेनेड से भी हमला किया। हालांकि इसराइल हमेशा से ही अपने सैनिकों की सूचना मीडिया से साझा करने से कतराता रहा है, लेकिन इस जंग में अब इजरायली फोर्सेस को जीत का रास्ता अपने सैनिकों की कुर्बानी से होकर गुजर रहा है। रफा से जैसे जैसे इजरायली सेना आगे बढ़ रही है, उसे हमास के लड़ाकों के साथ साथ हिजबुल्ला का भी सामना करना पड़ रहा है। गाजा में और उसके आसपास के इलाकों में IDF ने अब तक के ऑपरेशन में करीब 307 सैनिकों की मौत हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल और हमास की जंग में मारे गए सबसे ज्यादा लोगों में फिलिस्तीन के लोग हैं। इसमें 37,000 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिसमें से अधिकांश नागरिक हैं।